चाचा शिवपाल का, उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई। बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहाँ जाएंगे। देखिए जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है, तो अब गोल ही होने वाला है डिंपल का, शिवपाल का। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है, भाइयों बहनों जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है फीफा का, फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है एक किक मारता है दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए पेंडुलम है चाचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है भाई। ऐसा है हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहाँ जाएंगे। पेंडुलम है, ये जो झूला है झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है, वो चाचा को समझ ही नहीं पाए। ऐसा झूले बिठाएंगे जब छोड़ देंगे तो कहाँ गिरेंगे जाके हमें पता ही नहीं है। इसलिए ये बीजेपी वालों के चक्कर मत बनना, ये बहुत ही झूठे लोग हैं। अगर पहले ये दिमाग में रखोगे कि बीजेपी वाले झूठे हैं तो सब बात समझ में आ जाएगी, अगर आपने थोड़ा भी उन्हें ईमानदार समझा तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए जब बीजेपी वालों से बात करो तो समझ लेना ये झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही समझ लोगे दिलो दिमाग में रखोगे कि भाजपा ये झूठ बोलेगा तो सब बात समझ में आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा थी, अब हमारी स्वेच्छा हमारे कार्यकर्ता और जनता करे। क्या लग रहा है, क्या वजह रही है, मतलब क्या डर गए चुनाव में एक हुए इसलिए? अब देखिए डिंपल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। कल मुख्यमंत्री ने मंच से कहा है कि शिवपाल सिंह यादव फुटबॉल की तरह पेंडुलम की तरह हो गए हैं, किस तरह से इस बयान को लेते हैं? देखिए पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है, तो अब गोल ही होने वाला है डिंपल का।